बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्बास और मैं इधर चाइना में पढ़ रहा हूँ, ज़ाओचुआंग यूनिवर्सिटी में। और ये सब मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ इधर पढ़ रहे, मैकेनिकल पढ़ रहे, कुछ सिविल पढ़ रहे। तो हालिया में आपको पता होगा कि एक वायरस फैला हुआ है चाइना में जिसका नाम है कोरोना वायरस। सो उसकी वजह से बहुत सी सिटीज़ मुतासिर हुई है। तो हमारी सिटीज़ में भी आज सुबह 2 केसेज आए हुए हैं। तो हमने कई दिनों से हम अपने टीचर्स के साथ यही डिस्कस कर रहे हैं कि सर हमारे लिए कोई एक्सटेंशन करवा दे, क्योंकि अभी समर वे वो सम स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहे हैं ना, तो उसकी वजह से छुट्टियाँ हैं। तो हमने उनसे कहा कि हमारे वो थोड़ा एक्सटेंड कर दे हमारी छुट्टियाँ, क्योंकि अब 20,000 स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, तो वो दोबारा वापस यूनिवर्सिटी आएंगे तो वायरस तो ज़रूर आएगा अंदर। या हमें इस तरह कर दे कि एक्सटेंशन कर ले, हम पाकिस्तान चले जाएंगे, उसके बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाए, ये सेमेस्टर फ्रीज हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। लेकिन वो मान नहीं रहे, वो कभी कुछ कह रहे कभी कुछ कह रहे। हमें इधर मसले बहुत ज़्यादा है, हम बाहर नहीं जा सकते, कुकिंग अलाउड नहीं है। तो कुकिंग अलाउड नहीं है तो बाहर लोगों के साथ खाना खाएंगे तो उनके साथ खाएंगे, उधर ही तो वायरस है। तो मसला यही बना हुआ है। हमने अपने टीचर से बात की, उसने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है तो खुदा ना ख्वास्ता हम में से किसी को लग गया तो क्या होगा, कौन उसका ज़िम्मेदार होगा। उसके बाद हमने पाकिस्तान एम्बेसी को कॉल किया, पाकिस्तान एम्बेसी हमारा कॉल ही नहीं उठा रही। तो हम किस से अपना वो करें, और चाइना अभी वायरस हमारे सिटी में आ चुका है, मतलब ये है कि अब हमें हर किसी से डरना है, अब हमने इस दरवाजे से बाहर जाना भी नहीं है। और ये खुद हमसे डर रहे, हमारा अटेंडेंस सुबह लिया गया है 10 बजे, अभी ये 5 बज गए, अभी तक कोई अटेंडेंस रिसीव करने नहीं आया है। मतलब खुद डर रहे लेकिन हमें हमारा कोई वो सपोर्ट नहीं कर रहे। अब देख सकते हैं ये हमारी इंतज़ामिया जो आज सब लोग छुट्टी पर है, देखिए अब कोई भी नहीं है इधर के हमारे वो कंप्लेंट्स को ले ले, ये ऑफिस है इनके, कोई भी नहीं है इधर, आप देख सकते। तो बस हमारी आपसे यही इल्तिजा है कि आप हमारे वीडियो को इतना वायरल कर दें कि हमारी बात पाकिस्तान एम्बेसी तक पहुंच जाए और हम यहाँ से सेफली निकल जाएं।